अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारी हो कैरियर होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक शॉप पेज बना सकते हो और एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो वाया स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट। तो चलते चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं किस तरह से आप एक शॉप का सेक्शन बनाते हो, शॉप का पेज बनाते हो और उसको किस तरह से आप सेटअप करते हो और उसके अंदर प्रोडक्ट्स डिलीट या ऐड कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हम जाएंगे सिंपल और सिंपल पेजेस वाले सेक्शन में। पेजेस वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखें हमारे पास मौजूद है ऑप्शन स्टोर का। सिंपल मैं यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के लेआउट्स मौजूद हैं स्टोर से रेलिवेंट। तो मैं सिंपल ये वाला लेआउट मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिर्फ सिंपल स्टोर कह देता हूँ। ओके, ये पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। जैसे ये पेज क्रिएट हुआ तो यहाँ पे डमी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडिटेड हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को अपने ऐड या डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो आपको शो हो जाएगा और उसका स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट की आप जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बट राइट नाउ मुझे लेआउट चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप इसको एडिट मोड में लाके और यहाँ पे आप लोग डिफरेंट चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और बाकी सारी चीज़ों, और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं और सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है गेयर आइकन का, यहाँ पे आप अपनी एसईओ कर सकते हैं स्पेसिफिक शॉप पेज की। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे और वापस चला जाता हूँ यहाँ से अपने मेन पेजेस वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारा स्टोर था जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। सिंपल हमें क्या करना होगा, एज वी नो हम इसको ड्रैग कर देंगे ऊपर की तरफ नेविगेशन वाले सेक्शन और यहाँ पे हमारे पास ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर कार्ट ऑप्शन भी दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को हेडर को एडिट करना पड़ेगा इसके, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। अगर मैं इसको यहाँ वापस लेके आ जाऊँ और यहाँ पे पेजेस के अंदर आ जाऊँ वापस और होम पेज में चला जाऊँ और यहाँ पे मैं इसको एडिट मोड के अंदर ले आऊँ। एडिट मोड के अंदर जैसे ही मैं लेके आता हूँ यहाँ पे मैं इसको हेडर पे एडिट करूँगा और एलिमेंट्स में आके मैं यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन शो कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स वाले ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से आप लोग जो है ई कॉमर्स वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शॉप बना सकते हैं और उसके अंदर अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एडवांस के ऊपर जाएं तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्पेशल यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, टैग्स वगैरह, क्विक व्यू और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम क्या कर सकते हैं कि स्टोर की डिफरेंट कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उन कैटेगरीज को बनाने के बाद आप यहाँ पे मेन्यू के अंदर भी शो कर सकते हैं और उन स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर आप प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से आप लोग स्क्वेयर स्पेस के अंदर अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, शॉप सेटअप कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।